हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। सामने आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये है बलिनो का जेटा वेरिएंट, जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट रहता है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि मतलब आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी टॉप एंड वेरिएंट लेने की। तो एक एक करके जो है फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फिलहाल करते हैं फ्रंट से स्टार्ट। तो फ्रंट जो है कुछ इस तरीके दे रखा है इस गाड़ी का, काफ़ी एक स्पोर्टी लुक दे रखा है इस गाड़ी का, जो कि ये रहने वाला है। मस्कुलर तो नहीं कह सकते, पर एक स्पोर्टी लुक दे रखा है, एक मतलब कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स कार टाइप वाला लुक जो है, उस टाइप का जो इस गाड़ी का फ्रंट लुक रहने वाला है। ये आपको जो है क्रोम दे रखी है, जो कि ये रहने वाली है, जो कि राइट लाइट से होकर लेफ्ट लाइट तक जाएगी, मतलब यहीं से जो है कैरी फॉरवर्ड हो रही है, आप ये देख सकते हैं। हेडलाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो ये DRLs दी गई, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है, मतलब एक एग्रेसिव लुक देती हैं। और यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्टर दिया गया, जिसमें हाई बीम और लो बीम दोनों ही रहने वाला है, और ये LED प्रोजेक्टर है, ये एक बढ़िया बात है। मतलब यहाँ पे जो आपको LED प्रोजेक्टर दिया गया, इससे जो लोअर वेरिएंट रहता है जैसे कि ये, इसमें आपको जो है हेलोजन रहता है, बट इसके अंदर जो आपको LED दिया गया, जो काफ़ी बढ़िया बात है, मतलब ऑल्टोस के अंदर भी नहीं मिलता, तो आपको जो इसके अंदर आपको LED प्रोजेक्टर लैंप मिलते हैं। नीचे की साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो एक आईब्रो टाइप लुक दे रखा है, मतलब यहाँ पे नीचे फॉग लैंप, पर इसके अंदर फॉग लैंप आपको मिलेगा नहीं, एसेसरी के तौर पे आप लगवा सकते हो डीलरशिप से। बाकी यहाँ पे जो है ये आईब्रो टाइप लुक दे रखा है, जो कि ये क्रोम में रहने वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस क्रोम इस गाड़ी के ऊपर। और ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ये सिल्वर कलर है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब काफ़ी यूनिक है इस कलर में ना, मतलब गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। मैंने मतलब काफ़ी देखी है ये गाड़ी इस कलर के ना, काफ़ी मतलब अलग ही दिखती है ये गाड़ी, मतलब एक डिसेंट लुक देती है इस गाड़ी को। फ्रंट के लिए आपको जो कुछ ये दी गई है, जो कि ये रहने वाली है, आपको जो है मैट ब्लैक के अंदर ही दी गई है, जिसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, जो कि ये है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो दिया गया, बम्पर के लोअर पार्ट पे भी आपको जो मैट ब्लैक ही दिया गया है, जो कि ये रहने वाला है, काफ़ी जो है अच्छा बम्पर का लोअर पार्ट दिया गया। ख़ास बात क्या है, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ ये काफ़ी बढ़िया दिया गया है इस गाड़ी का ना, काफ़ी जो स्पोर्टी लुक दे रहा है, इसी वजह से मैं कह रहा था ये गाड़ी जो है काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रही है फ्रंट से। विड्थ की अगर मैं बात करूं, आपको जो 1745 mm की इस गाड़ी की विड्थ मिलेगी, तो अच्छी खासी चौड़ी गाड़ी है, तो 5 जने भी इस गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। तो ये बात रही इस गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में। चलिए अब बात कर लेता हूं इस गाड़ी के साइड लुक के बारे में। साइड से कुछ गाड़ी ये है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा ये अड़ला है, बट कोई दिक्कत नहीं। ए पिलर आपको जो ब्लैकआउट मिलेगा, बी पिलर आपको जो ब्लैकआउट ही मिलने वाला है, जो कि ये, सी पिलर आपको जो बॉडी कलर ही दिया गया है, जो कि ये है। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी को, तो टायर सेक्शन आपको जो 16 इंच के अलॉय व्हील मिल जाए, टॉप वेरिएंट के अंदर जो है दूसरे अलॉय व्हील आते हैं, बट ये भी अलॉय व्हील काफ़ी अच्छे हैं, खासकर इस कलर पर ना ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, आप दूर से देखेंगे ना काफ़ी जो अच्छा लुक दे रहे हैं इस कलर पे। 195/55R16, तो 16 इंच के आपको जो अलॉय व्हील मिलते हैं, 195 का जो आपको साइज़ मिलता है, और 55 की जो आपकी ये आपकी साइड वॉल मिलती है इस गाड़ी की। ORVM की बात करूँ तो आपको जो है ये दिया गया, आपको बॉडी कलर ही दिएगा, यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं ये, यहाँ पे आपको जो क्रोम दिया गया है, जो कि ये रहने वाला है। यहाँ पर आपको जो डोर हैंडल पे भी क्रोम दिया गया, क्रोम जो है काफ़ी यूज़ करा गया है इस गाड़ी के ना, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये है, मतलब यहाँ क्रोम ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको जो दोनों साइड ही मिलेंगे, ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब आजकल की कंपनियां ना कॉस्ट कटिंग करती हैं इस चीज़ में, कि भाई को ड्राइवर साइड नहीं देती, जैसे ऑल्टोज़ में भी नहीं मिलता, पर मारुति ऐसा नहीं करती है, मारुति आपको जो दोनों साइड ही देती है, तो ये जो है अच्छी बात है, इसके लिए थम्स अप है मारुति को। बाकी जो कुछ ये है इस गाड़ी का साइड लुक, काफ़ी जो अच्छा लुक दिया गया इस गाड़ी को, मतलब पहली वाली बनीलो से है ना ये काफ़ी जो है बढ़िया मतलब हुई है, काफ़ी जो अच्छी रोड प्रेजेंस देती है ये गाड़ी। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के बैक लुक के बारे में, तो बैक लुक भी काफ़ी अच्छा है, वही आपको जो जैसे फ्रंट के अंदर आपको जो DRLs दी गई ना, बैक के अंदर भी आपको जो ऐसी LED लाइट्स दी गई, जो कि ये रहने वाली है, काफ़ी जो बढ़िया लगती हैं। यहाँ पर आपको जो यहाँ भी LED दी गई है, एंड इंडिकेटर आपको जो है हेलोजन रहने वाला है, और बैक लाइट भी आपकी जो है हेलोजन ही रहने वाली है। चार पार्किंग सेंसर मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, और आपको जो है यहाँ
बैक कैमरा दिए गए, सुजुकी का लोगो दिया गया, हाई रूफ टॉप लैम्प और रियर डिफॉगर वाइपर आपको जो एज यूजुअल मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। ऊपर आपको जो बेसिक एंटीना दिया गया है जो कि ये रहने वाला है, शार्पिन एंटीना आपको नहीं मिलता। यहाँ भी आपका जो क्रोम यूज़ करा गया है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये दिया गया है। ये कुछ टेल लाइट है इस गाड़ी की जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है बूट तक, कि ये रहने वाला है। बम्पर के लोअर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो वही डिज़ाइन दिया गया जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे कुछ डिफ्यूज़र टाइप लुक दे रखा है जो कि ये रहने वाला है। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के, तो बूट स्पेस आपको जो है कुछ ये दिया गया है, आपको जो यहीं बटन से ही ऑन हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया है, मतलब ये भी काफ़ी चीज़ बढ़िया है कि आप जो यहीं से ही ऑन कर सकते हैं। 318 लीटर का आपको जो है बूट स्पेस दिया गया इस गाड़ी के अंदर, जो कि अच्छा खासा बूट स्पेस है इस गाड़ी का। यहाँ पे आपको जो बूट लैम्प दिया गया जो कि ये है, आप यहीं से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब आप जब इसे यूज़ करना, जब ऑन कर लो, जब यूज़ नहीं करना तो ऑफ कर दो। यहाँ पर हुक दे रखा है जो कि ये काफ़ी डीप है इसका बूट स्पेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी मतलब डीप है। आप ये देखिए मेरा हाथ कितना जा रहा है। और स्पेयर व्हील की बात करूँ तो आपको जो है स्टील रिम मिलता है 185/65R15, तो ये ठीक है, मतलब 15 इंच का तो एटलीस्ट दिया। मतलब कंपनी क्या करती है 16 इंच दे देती हैं अलॉय, और जो 13 इंच जो है रिम दे देती हैं, जैसे भी ये ऑल्टोस के अंदर है। और यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का जो है लुक दे रखा है। यहाँ भी थोड़ी सी ये कुछ डिज़ाइन दिया रखा है जो कि ये रहने वाला है। पार्शियल ट्रे आपको मिलती है यहाँ पर जो कि ये रहने वाली है। ऊपर भी आपको जो है कवरिंग दी गई, तो कोई भी पार्ट ना ऊपर का आपका एक्सपोज नहीं रहेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इस गाड़ी के अंदर कि आपको जो कोई भी पार्ट ऐसा एक्सपोज नहीं मिलता बूट के अंदर। तो यहाँ पे जो बहुत सारी कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है, बट मारुति ने यहाँ पे जो है कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। तो ये बात रही इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। चलिए अब बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के रियर डोर के बारे में। तो रियर डोर कुछ ये रहने वाला है इस गाड़ी का, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। आपको जो है लेदर फील जो है यहाँ पर टचअप दिया गया है जो कि ये रहने वाला है, काफ़ी जो अच्छा लग रहा है। डोल टोन ही रहने वाला, मतलब ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया गया। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक दिया रखा है, पावर विंडो कंट्रोल्स, और यहाँ पे स्पीकर रिप्लेसमेंट। यहाँ पे आपको जो है क्रोम के अंदर डोर हैंडल दिया गया, ये लॉक अनलॉक जो कि थोड़ा सा पुराना हो गया मैकेनिज्म, ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए मारुति को। एलईडी की बॉटम रिप्लेस, जैसे कि आपको पता ही है कि हाँ आ सकती है। तो ये बात रही इस गाड़ी के रियर डोर के बारे में। अब बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के रियर सीट के बारे में। तो रियर सीट कुछ ये रहने वाली है आपकी। आपको जो दोनों एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिलते हैं, 60-40 स्प्लिट आपको जो सीट्स मिलती है। आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलता इस वेरिएंट के अंदर, और सीट भी आपको जो है फैब्रिक सीट दी गई है। सीटिंग की बात करूँ इस गाड़ी की, तो अच्छा खासा मेरे को लेग स्पेस मिलता है इस गाड़ी के अंदर। थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है कि ये रहने वाला है। हम की बात करूं तो हम जो थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया, तो ये थोड़ा सा लो होता तो ज़्यादा बेटर होता, मतलब बीच वाले पैसेंजर की भी ना अच्छी खासी राइड कंफर्टेबल हो सकती थी। बाकी यहाँ पर आपको जो है रियर एसी वेंट दे रखे हैं जो कि इस वेरिएंट से आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है फास्ट चार्जिंग पोर्ट दे रखा है जो कि टाइप सी रहने वाला है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब आईफोन वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाई आप आजकल जो है चार्जर वार्जर तो USB वाले आते नहीं, तो यहाँ पर आप जो टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट कर सकते हैं और जो है कर सकते हैं इस तरीके से अपना फास्ट चार्ज। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ दी गई है। बाकी जो ग्रैब हैंडल आपको तीनों साइड मिलेंगे, लेफ्ट साइड आपको नहीं मिलेगा। बीच में आपको जो है रूम लाइट दी गई है जो कि येलो के अंदर रहने वाली है। मतलब ये चीज़ ना मज़ा ख़राब कर देती है, भाई ये LED दे दो काफ़ी बढ़िया लगेगा, मतलब काफ़ी जो अच्छी लगती है, प्रीमियम फील कराती है ये वाइट जो LEDs होती हैं। बाकी ये हेलोजन दिए गए जो कि येलो है। तो ये बात रही इस गाड़ी के रियर सीट के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्रंट डोर के बारे में। फ्रंट डोर जो कुछ ये रहने वाला है इस गाड़ी का। यहाँ पे आपको रुक का सेंसर दिया गया जो एक मैंने आपको पहले बताया था। तो फ्रंट डोर जो आपको ये दिया गया, डुअल टोन ही दिया गया। यहाँ पे आपको जो स्पीकर रिप्लेसमेंट दी गई है, यहाँ पर आपको जो वाटर की प्लेस दी रखी है जो कि 1 लीटर आप एकदम आराम से डाल सकते हैं। ड्राइवर साइड ऑटो अप और ऑटो डाउन दोनों ही रहने वाले हैं। ये ओवरहैंगिंग कंट्रोल जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं। चार पार विंडो से कंट्रोल, यहाँ पे लॉक अनलॉक ये सब जो है आपका दिया गया है। यहाँ पे जो ब्लू शेड दे रखी है, लेदर फील यहाँ पे जो है टचअप दे रखा है, और यहाँ पर आपको जो है लॉक अनलॉक जो कि एज यूजल दे रखा है। तो ये है इस गाड़ी का कुछ डोर, जैसे कि आप भी देख सकते हैं। सीट की अगर मैं बात करूँ तो आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि ये रहने वाला है। मतलब सारी चीज़ें तो मिल गई इस गाड़ी के अंदर, तो भाई अब टॉप मॉडल लेना ही क्यों है, मतलब सारी चीज़ें तो मिल ही गई हैं ना जो ज़रूरत की थी। बाकी वो तो चलो आपकी चॉइस है।
यहाँ पर आपको जो है स्टार्ट आइडिंग सॉफ्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको जो एम्बियंट लाइट भी दी गई जो कि को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड रहने वाली है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं ये जल भी रही हैं। बाकी यहाँ पर जो है फ्यूल लिड ओपन करने का जो कि 37 लीटर्स का रहता है इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर कुछ ये दे रखा है आपको इस गाड़ी का, यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के स्टेयरिंग के बारे में तो आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया, मतलब मेरे को ना काफ़ी अच्छा लगता है। एक छोटा सा स्टेयरिंग व्हील और काफ़ी जो स्पोर्टी लुक देता है ये। यहाँ आपको जो म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाएंगे, कॉल रिसीव और कट करने के यहाँ पे बटन मिल जाएंगे। आपको जो है ये स्टेयरिंग व्हील टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक भी आपको जो है स्टेयरिंग व्हील दिया गया, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई कि इसके अंदर जो है टेलीस्कोपिक और दोनों ही दिए गए हैं, टिल्ट और टेलीस्कोपिक, बट आपको जो दोनों ही मिलते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब ऑल्टोज़ के अंदर नहीं मिलती ये चीज़, जो कि मेरे पास ऑल्टोज़ एग्जेड है आपको जैसे कि पता भी है। बाकी जो है आपको कुछ तरीके का लुक मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के, जो कि ये रहने वाला है, अच्छा खासा इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे आरपीएम मीटर साइड में आपको जो स्पीड मीटर, बीच में आपको जो एमआईडी दी गई जो कि कलर्ड एमआईडी है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई है आपको, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल, ट्रिप ए, ट्रिप बी, सब कुछ जो आपको यहीं से दिखा देगी जो कि ये रहने वाली है। ये सब आपको जगह, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है, ये टॉर्क और ये पावर, मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना उस हिसाब से ये गाड़ी आपको दिखाएगी भाई कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है गाड़ी, कितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है, सब कुछ आप दिखाएगी ये गाड़ी। बाकी जो है यहाँ पे फ्यूल गाड़ी कितना एवरेज दे रही है वो भी दिखाएगी, और यहाँ भी आपको जो गाड़ी दिखाएगी, इसके ऊपर अभी मैं आगे बात करूँगा, फिलहाल जो इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी जो है आपको कुछ इस तरीके का इस गाड़ी का डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे एसी वेंट पे आपको जो सिल्वर फिनिशिंग दी गई जो कि बढ़िया लग रही है, क्योंकि ये रहने वाली है। और यहाँ के साइड आपको जो गनमेटल कलर दे रखा है जो कि ग्लॉसी के अंदर रहने वाला, और नीचे आपको जो ब्लू ही दे रखा है जो कि ये थीम भी जैसे दे रखी है। तो इस तरीके का जो है इस गाड़ी का डैशबोर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको 7 इंच का मिलता है जो कि 4 स्पीकर के साथ आता है ये। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ, ये सब कुछ आपको जो है मिलेगा, और जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको ये टच बटन्स दिए गए हैं जो कि ये हैं, बाकी आप बोलो मत नहीं, मैं बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जब ये ऑन हुई थी अभी जो है गुड आफ्टरनून भी कह रही थी। IRVM की बात करूँ तो आपको डे नाइट मिलता है इस गाड़ी के अंदर। कोडाइवर वेंटी मिरर की बात करूँ तो आपको दिया गया, आप सोच लो भाई कौन खुश होने वाला है इसको देख के, कि भाई ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं कौन खुश होने वाला, कमेंट सेक्शन में आप बता देना। बाकी आपको जो है ये लाइट दी गई जो कि ये रहने वाली रूम लाइट, जो कि मतलब फिर से मैं वही बोलूँगा वाइट के अंदर रहनी चाहिए थी। यहाँ पे आपको जो है ड्राइवर साइड वेंटी मिरर आपको नहीं मिलता। ग्लो बॉक्स की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के, तो यहाँ पे आपको लाइट दी गई और डिसेंट अमाउंट का जो है ग्लो बॉक्स दिया गया इस गाड़ी के अंदर जो कि ये रहने वाला है। ऑटोमेटिक एसी मिलता है आपको जो कि ये है, काफ़ी अच्छी बात है। बेस वेरिएंट के अंदर से ही ना आपको जो ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा। बाकी आपको जो है यहाँ पे 12 वॉट का आउटपुट, USB पोर्ट, यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, और की जो है आपको जो है ये दी गई है, आपको दोनों ही स्मार्ट की दी गई है जो कि क्लियर सेंट्री वाली की है, जिसमें लॉक अनलॉक का जो बटन दिया गया है, क्योंकि ये है आपको जो है यहीं पर पियानो ब्लैक फिनिश दे रखा और सुजुकी का लोगो दिया गया, तो की आपको जो है ये मिलेगी इस गाड़ी के अंदर। यहाँ भी आप थोड़ी सी स्पेस रखें, यहाँ पे हैंड ब्रेक, और यहाँ पर आपको जो है लेदर फीली आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि ये रहने वाला, और ये ओपन नहीं होता शायद, नहीं ओपन होता है, तो ये जो है इतनी स्पेस आपको जो इसके अंदर मिलती है, आप जैसे ये देख सकते हैं। तो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा इंटीरियर है इस गाड़ी का, मतलब एक स्पोर्टी लुक दे रहा है, मतलब अंदर से भी आप ये देख सकते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये, मतलब काफ़ी जो अच्छा इंटीरियर दे रखा है। बस ये थोड़ा सा जो ब्लू है ना मैच नहीं कर पा रहा, ये थोड़ा सा अलग कोई कलर होता ना, मतलब बेज कलर या कोई और सा भी कलर होता तो काफ़ी जो है बढ़िया लगता। तो ये बात रही इस गाड़ी के ऑल ओवर इंटीरियर के बारे में, बाकी कुछ तो रह नहीं गया। यहाँ पे सिल्वर एसेंट दे रखे हैं जो कि ये रहने वाला है, और आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको दिए गए, ऑटोमेटिक वाइपर आपको नहीं मिलते। तो ये है कम्प्लीट लुक इस गाड़ी के इंटीरियर का,
चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, क्योंकि ये रहने वाला है आपको जो है 1.2 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि 88 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। टॉर्क की बात करें तो आपको जो है 113 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। फोर सिलेंडर इंजन है तो काफ़ी जो रिफाइंड इंजन है, और मारुति का इंजन है आपको पता है कि भाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा इंजन मिलता है। माइलेज की बात करूँ तो आपको जो 15-16 सिटी के अंदर, हाईवे पे आपको जो 21-22 से जितना आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। ये चीज़ ना डिपेंड करती है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे कि आप जो किस तरीके से गाड़ी चलाते हो। बाकी आपको इंसुलेशन भी दी गई है जो कि ये रहने वाली है, तो आपको जो कैबिन नॉइस कम आएगी इस गाड़ी के अंदर। बाकी ये चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, काफ़ी जो रिफाइंड इंजन है, बट कोई बात नहीं, कंपनी ने जो दिया है बढ़िया दिया है। तो ये थी आपकी बलिनो जेटा मॉडल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।